बार प्रयागराज में होने जा रहे ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी क्रम में मेला प्रशासन द्वारा महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए नेत्र कुंभ की स्थापना भी की जा रही है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि महाकुंभ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 7 देशों के 12 किन्नर महाकुंभ में जगतगुरु और महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही देश विदेश में अब तक नामित 55 किन्नर संतों को मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और जगतगुरु की पदवी प्रदान की जाएगी। दासना मंदिर के महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। महंत के समर्थन में लोनी से बीजेपी विधायक और हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया था। पुलिस ने इस पंचायत की इजाजत नहीं दी, साथ ही इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से अपनी बीमार माँ से मिलने देहरादून के अस्पताल पहुँच गए। उनकी माँ अचानक बीमार हो गई थी, जिन्हें देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में थे। कानपुर में बिजली चोरी पर लगाम लगाने और आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से कैस्को को सितंबर माह से स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान शुरू करना था, लेकिन जिस कंपनी को ये काम सौंपा गया उसके सत्यापन कार्य में कमियां मिलने पर अभियान लटक गया है। तो वहीं अब कंपनी को 15 नवंबर तक उपभोक्ताओं के घर घर जाकर सत्यापन कर सूची बनाने के लिए कहा गया है। वाराणसी के चेत सिंह घाट पर धुनुची सहित सिंदूर खेले का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से एक दूसरे को सिंदूर लगाकर त्योहार की बधाई दी। तो वहीं भेलूपुर स्थित जिम स्पोर्टिंग क्लब में बंग समाज की महिलाओं ने भी सिंदूर खेला किया। माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करके विदाई दी गई। बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी की माँ दुर्गा की प्रतिमा भी विसर्जन शोभा यात्रा के साथ ढोल नगाड़ों के बीच वसंतपुर चौराहा पहुंची। इस चौराहे पर धूमधाम से भगवान राम और दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा का राघव शक्ति मिलन हुआ। प्रभु श्री राम ने माँ दुर्गा की आरती उतारी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजधानी में दलित युवक की मौत के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अपने बयान में कहा कि लखनऊ के मोहल्ला गंजराहा पुरवा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में घूमने गए एक दलित युवक के साथ कल शाम पुलिस द्वारा बर्बरता से की गई पिटाई से हुई मौत की घटना दुखद है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये निश्चित तौर से बहुत दुखद है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे और लोगों के लिए काम करते थे। वे कांग्रेस से ही आगे बढ़े, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये एक अच्छे समाज सेवी और नेता की हत्या है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कहा कि बीजेपी की सरकार, वो चाहे केंद्र की हो या राज्य की, इन्होंने हिंदुस्तान को सोमालिया बना दिया है। जब जो चाह रहा है हत्या करके चला जा रहा है। बीजेपी के राज में लोगों में कानून का डर खत्म हो गया है।